ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वॉज बिहाइंड ऑल दैट। इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंड सेट है बीबीसी का, जो अभी तक जा नहीं रहा। यही पाकिस्तान मौका देखकर कश्मीर हासिल करने के लिए हमला बोल देता, लेकिन हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने ताकतवर होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी तारीफ आज पाकिस्तान में भी हो रही है। और ये तारीफ कर रहे हैं जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तदर खान। तो मुझे लगता है सबसे पहले पाकिस्तानियों को भारत की तारीफ करनी चाहिए कि उसने पाकिस्तान के खराब हालातों का फायदा नहीं उठाया। मुझे लगता है सभी पाकिस्तानियों को ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि भारत सरकार पाकिस्तान से ज्यादा शांति प्रिय है। एक पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, जो सनातनियों के प्रति एक नफरत है वो कभी पाकिस्तानियों के मन से निकलती नहीं है। आप देखो सामने सामने, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि एक जो भारतीय माइंडसेट है, एक हम कह सकते हैं जो सनातनी माइंडसेट है, और एक पाकिस्तानी माइंडसेट है, दोनों में फ़र्क क्या है। वहाँ पे पाकिस्तान का जो नेता, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपने देश में भुखमरी आ रही है, भिकमंगापना आ रहा है, लोग एक दूसरे को मारकाट मचाए हैं, लोग एक दूसरे के पीछे लड़ रहे हैं, आटे की बोरी के पीछे मारकाट हो रही है, जंग में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती इतनी पाकिस्तान में अभी है, लेकिन इनकी पार्लियामेंट में डिस्कस क्या होगा? मोदी, कश्मीर, हिंदुत्व, ये वो, दुनियादारी, कश्मीर में मुसलमान मर गया, यहाँ मर गया, वो गया। ऐसे ही यूके की पार्लियामेंट में यही करने की कोशिश की थी, 2 मिनट में जो है हैसियत दिखा दी ऋषि सुनक साहब ने। चीमा साहब, कुछ लोग अब भी इम्पीरियल हैंगओवर में रहते हैं। आप जानते हैं हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर रहता है। वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने लोगों को हैंगओवर रहता है। ये इम्पीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते हैं, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ, वहाँ लेना एक ना देना दो, कॉमन है नहीं कुछ, वेल्थ बांट रहे हैं, वो चीज़ें चल रही है। अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इंपीरियल हैंगओवर, और एक कॉलोनियल ये कॉमनवेल्थ का जो ख्वाब है, जो एक इल्यूजन है, जो मिराज है, उस दुनिया में जो रहते हैं वो थोड़ा वक्त से पीछे चलते हैं। अब कुछ चीज़ों पर बात करें, फैक्ट्स पे। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना, जब वो जैकस्ट्रा फिर ऑफिस वगैरह में था तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, SIT ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया, जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया, जब कांग्रेस के टाइम 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी तब क्लीन चिट मिला, सब चीज़ों का फैसला हो गया, जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई तब BBC जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए BBC का TRP नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीज़ें TRP के लिए थोड़ा फायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। अब वैसे भी BBC की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। मतलब अब BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मैं तो कहता हूँ BBSC ब्रिटिश BS कॉरपोरेशन, तो ऐसे तो उनकी हालत हो गई आज के डेट में। अब चीमा साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है, BBC के कहने का मतलब है, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र कुड नॉट फाइंड व्हाट टू फॉर 22 इयर्स व्हाट टू कॉरेस्पॉन्डेंट्स वेंट टू ग्राउंड एंड दे कुक्ड अप समथिंग एंड दे कुड फाइंड, एंड हु गेव देम दैट ज्यूरिसडिक्शन, हु गेव दैट अथॉरिटी, उनका लोकल क्या, उनकी औकात क्या, उनका मतलब क्या। ऐसे जो, अच्छा मैंने भी एक झुंझुना देखा, मुझे लगा, मैं आपको बताऊँ, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना, तो BBC को मैं काम देता हूँ, बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का उसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो तुम्हारे लंबे वाल वाला चर्चिल है, ही इज इक्वल और मोर ब्लड देन माउजिटोंग एंड हिटलर ऑन हिज हैंड्स। क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा, कुछ 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस। फिर मैं चीमा साहब आप पे आता हूँ, उस पर जलियांवाला बाग, सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहाँ। तो और कहा था मैं तोप ले जाऊँगा अंदर, मैं ले नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए, जब ग्रेट बंगाल फेमिन में जब सेकंड राउंड आया तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसने थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया, हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। जब इसको बोला तो नहीं है बाहर, ये डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इट्स ओके।
आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता, चीजें बनानी उस पर बनाई ना, चीजें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। इंडिया में देखिए अर्थव्यवस्था डूब रही है, इंडिया में पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इंडिया में विद्रोह हो रहा है, तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है, भारत पर हमला बोल दो और अब तक पाकिस्तान ने हमला बोल दिया होता। इसी का खामियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है जो डूबती अर्थव्यवस्था के बीच दाने दाने के लिए मोहताज नजर आ रही है। अब जरा सोचिए अगर यही हालात हिंदुस्तान के होते तो क्या होता, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार शांत बैठी हुई है क्योंकि वो पाकिस्तान में बदतर होते हालातों का फायदा उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तदर खान भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कहीं आटे की मारामारी है तो कहीं आटे की बोरियों का ढेर एक कार के ऊपर नजर आया, जैसे बांध कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा था। लोगों ने शख्स पर आटे की तस्करी का आरोप लगाया। हमारे पास तरक्की करने के अलावा बाकी हर काम कर रहे हैं हम। अच्छा। यानी हम तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं, ड्रामेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, इससे अच्छा ये होता कि हम तरक्की अच्छी करते। आतंकवाद को पनाह देते देते अब पाकिस्तान की आर्थिक तंगी इतनी हो गई है कि वो अब कंगाली के अंतिम चरण में है। पाकिस्तान अब इस हालात में है जहां ना तो उसके पास खाने को दाने हैं और ना ही खुद को कंगाली से बचाने के लिए कोई पैसे। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर हुई डिबेट में साफ तौर पर कह दिया, मैं ये दो तीन बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मौजूदा समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताकत का असंतुलन है, आप डूब रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग कश्मीर लेने के लिए अब तक भारत पर हमला कर दिए होते। पाकिस्तान की सरकार ना तो महंगाई कम कर पा रही है ना ही लोगों को आटा मुहैया करवा पा रही है। अब हालात ये है कि लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं। भूख और तंगी ने पाकिस्तान को बेहाल कर दिया है, इससे गिलगित और बाल्टिस्तान के लोग भी बेहाल हैं। आसमान छूती महंगाई ने खाने पीने की वस्तुओं के दामों में आग लगा दी है। आटा 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। दाल, सब्जी, तेल, चीनी इत्यादि रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं के दाम भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुके हैं। 10% ऑफ पॉपुलेशन ये नारा लगा रही है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब हम कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक होती मेजॉरिटी, एक होती माइनॉरिटी। अमेरिका की डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान ने ये तमाम बातें पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार फकर यूसुफजई के यूट्यूब चैनल पर कही। यानी एक पाकिस्तानी के मुंह पर मुक्तदर खान ने जोरदार तमाचा मारते हुए बता दिया कि पाकिस्तानियों को तो मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। लोग घंटों आटे के इंतजार में खड़े हैं, ऊंचे दाम देने के बाद भी आटा नहीं मिल पा रहा है। इतनी इश्यूज हैं डिस्कस करने को। आप यूके की इकॉनमी बात करो, आप यूके की डेवलपमेंट पे बात करो, आप किसी भी बारे में बात करो, क्या जरूरत है वहां पर बीबीसी ने रिपोर्ट दिखाई, मोदी ने गुजरात में दंगा कराया, मोदी ने ये करा दिया, गुजरात में ये हो गया, वहाँ ऐसे वहाँ वैसे, इन सब बातों का डिस्कशन क्या बनता है? यूके अपने यहाँ पर अपनी क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों का वो जो एक है कि अपना ऐसी कोई बात कर दो जिसमें डेवलपमेंट बाकी सारी चीज़ें सब छूट जाएँ। ये लोग चाहते हैं, जैसे पाकिस्तानी आवाम को उन्होंने भिखमंगा बना दिया, ये चाहते हैं यूके की आवाम को भी भिखमंगा बनाएं। इंडियन माइंडसेट आप देखो, ऋषि सुनक साहब ने दो लाइनों में जवाब देके मामला खत्म किया, कोई लंबी डिस्कशन करने का टॉपिक ही नहीं है। अरे भाई इंडिया में क्या हो रहा है, इसका यूके के प्रधानमंत्री से क्या लेना देना, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। इंडिया में कुछ भी हो, इंडिया में कैसी भी समस्या हो, जब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बुल्गेरिया में कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा में कुछ होगा, उसमें इंडिया में डिस्कस क्यों होगा? वो वहाँ की समस्या, ऐसे ही इंडिया में कुछ हो रहा है वो यूके में जाकर क्यों डिस्कस होना चाहिए? लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है, ये जो मैंने बताया ना, ये एक नफरत जो सनातनियों से है वो पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी चले जाएं उनके मन से जाती नहीं है। वो यहाँ भी वही करने की कोशिश करी, हालांकि दो मिनट में मुंह तोड़ जवाब दे, किनारे लगा दिया, चल निकल। अच्छा, अब यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि जिस तरीके से यूके में हमने देखा है, जो इंडियन भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर हार्ड कोर सपोर्टर रहे हैं वो लेबर पार्टी के। और यहाँ पर अगर उस यहाँ पे हम यूके की एक सर्वे हुआ था, यूके की एक बड़ी प्रतिष्ठित फर्म ने सर्वे किया था, उसके मुताबिक बहुत लंबे समय से जो एशियन साउथ एशियन वोटर है उसमें स्पेसिफिकली इंडियन ओरिजिन का जो वोटर है उसका हमेशा से 60-80% की तरफ के बीच में झुकाव जो है वो लेबर की तरफ रहा है, कंजर्वेटिव की तरफ बहुत ही कम जाना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ
एक दशक में ये स्थितियां बदली हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो हिंदू और सिख हैं, हिंदू सिख जैन बौद्ध, ये वहाँ पर हुए हैं कंजर्वेटिव की तरफ आए हैं। वहीं पर जो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं वो अभी भी लेबर के साथ में टिके हुए हैं, और अभी भी एक बड़ी मात्रा हिंदू सिखों जैन बौद्ध की भी जो अभी भी लेबर्स के साथ में टिकी हुई है। संभवतः इस चुनाव में मामला अलग होगा जो भी अगले चुनाव आ रहे हैं यूके, पर करना चाहिए सपोर्ट। मेरा ये मानना है कि इंडियन ओरिजिन वालों को कम से कम, आपका मूल का प्रधानमंत्री बना है तो इतने लंबे समय से, और आप ये भी देखो MPs जो सांसद हैं वहाँ के इलेक्टेड, वो भी हमेशा कंजर्वेटिव से ज़्यादा रहे हैं। लेबर से आज के टाइम पर शायद 2 या 3 इंडियन ओरिजिन के सांसद हैं, एक कोई मिश्रा जी, एक दो ऐसे और भी हैं, टोटल 2 या 3 इंडियन ओरिजिन के सांसद हैं और कंजर्वेटिव में ज़्यादा हैं। तो उन सब चीज़ों के बाद भी ये सोचना चाहिए, अगर आपके सांसद भी कंजर्वेटिव से ज़्यादा जीत रहे हैं लंबे समय से, आज के तो नहीं, पिछले 4-5-6 चुनाव से हो रहा है ये सब, इंडियंस की तादाद बढ़ रही है सदन में, तो उसके बाद कंजर्वेटिव के लिए थोड़ा सा आपको लीन करना चाहिए। बल्कि जैसे भारत में आप राजनीति होती है, वैसे वहाँ पर भी हर एक व्यक्ति को प्रचारक, जैसे भारत में देखते हैं ना, हर कोई अपने आप में नेता है, किसी के पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को आप कुछ बोल दो तो वो आपसे लड़ने चला आएगा।